So good evening everyone. Today we are going to start order 39. Again very important order, बहुत ही जरूरी ये order है examination point of view के लिए order 39, जो बात करता है temporary injunctions and interlocutory orders के बारे में, ठीक है जी। अभी temporary injunctions आज की video में, आज के lecture में हम लोग discuss करेंगे। थोड़ा सा रूल के मुताबिक देखें तो कम ही रूल है, 1 से 5 तक है, फटाफट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करेंगे और ऑल्सो वी विल ट्राई हाउ टू राइट द आंसर ऑन टेम्पोरेरी इंजंक्शन। अगर आपको क्वेश्चन दिख जाता है एग्जामिनेशन में, जनरली आते रहते हैं, शॉर्ट टॉपिक में पूछ लेते हैं, टेम्पोरेरी इंजंक्शन देख देंगे, शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं, कभी कभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर, तो आपको कैसे लिखना है। जैसे ही क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन में आपको देख जाए टेम्पोरेरी इंजंक्शन कहीं पे भी, कैसे उस आंसर को फ्रेम करना है, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम आपको ये भी बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की जहां तक बात है, छोटा सा है, अगर टाइम मिल गया तो इसी लेक्चर में, अदरवाइज कल के लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो फार एज टेम्पोररी इंजंक्शन, बिफोर गोइंग इन टू डिटेल अबाउट टेम्पोररी इंजंक्शन, हमें लगता है कि हमें सबसे पहले इंजंक्शन के बारे में जानना चाहिए। अब इंजंक्शन क्या होता है भाई? इंजंक्शन वो होता है कि जो कोर्ट इशू करती है, एक ऑर्डर इशू करती है किसी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, किसी को रिस्ट्रेन करने के लिए, या किसी पार्टी को कोई चीज वो कर रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए, स्टॉपेज करने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, मना करने के लिए। रिस्ट्रेन इन द सेंस ये होगा कि कोई काम उसको बोले कि तुम ये मत करो, है ना। प्रोहिबिट का मतलब ये होता है कि कोई काम पार्टी कर रही है तो उसको प्रोहिबिट कर रहे, रोक रहे हैं कि अब तुम रुक जाओ यहीं पे, अब इससे आगे मत बढ़ना, ये आप मत करना, है ना। एक 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 यू नो शॉर्ट रिलीफ है एक तरीके से, इक्विटेबल जस्टिस होता है ये, है ना। एक इंजंक्शन क्या होता है? इक्विटेबल जस्टिस होता है, यानी कि अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जा रहा है, इफ एनी रॉन्गफुल एक्ट इज डन बाय एनी पार्टी, और एक पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में कंप्लेन करता है या करती है कोर्ट के पास, तो कोर्ट को लगता है, अब पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि साहब इसको रोक दीजिए, नहीं तो इसको नहीं रोकेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अभी तो मैं सूट इंस्टीट्यूट किया हूँ, सूट इंस्टीट्यूट जाने दीजिए कि उसका लीगल राइट है, तब वो जो करे ठीक है, दीवार बना रहा बनाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिफोर फिक्सिंग द लीगल राइट, बिफोर पासिंग द डिग्री, उस तब तक जब मैं इंस्टीट्यूट कर चुका हूँ सूट, तब तक आप उसे रोक दीजिए, कम से कम वो रुक जाए, नहीं रुकेगा अगर फिर मेरे फेवर में केस आया तो तब तक मुझे इररिपेरेबल लॉस हो चुका होगा, है ना, तो अभी आप उसे स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए, रिस्ट्रेन कर दीजिए, अदरवाइज मुझे लॉस हो जाएगा, और मेरे पास यही एक रेमेडी है इंजंक्शन का। तो ये प्रूफ करना पड़ता है प्लेंटिफ को या पार्टी को, जो कम एप्लीकेंट को जो अप्लाई कर रहा है इंजंक्शन के लिए, ठीक है, कि आप इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर दीजिए। तो बेसिकली इंजंक्शन क्या होता है, फिर से अगर हम डिटेल में पढ़ लें कि एक इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है पार्टी के फेवर में, इशू एक पार्टी के फेवर में किया जाता है, दूसरे पार्टी के अगेंस्ट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इंजंक्शन एक तरीके का ऑर्डर होता है जो किसी दूसरे पार्टी को, किसी एक पार्टी को कुछ काम ना करने के लिए, किसी काम को टू एक्ट, टू रिस्ट्रेन टू डू समथिंग, यानी कि कोई एक्ट, कोई कार्य रोकने के लिए किया जाता है, इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाता है ना। जैसे एक पार्टी ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, मान लिया उसका कुछ को कुछ प्रॉब्लम है, क्लेम है ना, स्नेहा से मुझे कुछ प्रॉब्लम है, स्नेहा जो मेरी जमीन में दीवार खड़ी कर रही है, दीवार बना रही है, उनकी जमीन ये नहीं है, स्नेहा की जमीन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सूट इंस्टीट्यूट करूंगा कि भैया ये जो है मेरी जमीन है, मैं इनसे लड़ाई करूंगा, मेरा राइट इंफ्रेंज हुआ, मैं कोर्ट में पहुंच गया, सूट दायर कर दिया, ठीक है, इमोबल प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन उसी दरमियान जो स्नेहा कंटिन्यू करे जा रही है, दीवार बनाए जा रही है, अभी कुछ अता पता है नहीं कि इनकी जमीन है नहीं, अभी कोर्ट ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्पररी इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन या टेम्पररी इंजंक्शन, इंजंक्शन के लिए अप्लाई करूंगा, है ना, कोर्ट में, तो कोर्ट उसी के बारे में उसी स्नेहा को रोकेगी कि अभी आप रुक जाओ, अभी जब तक हम केस डिसाइड के मामला तो हमारे पास है, जब तक हम डिसाइड नहीं कर देते जुडिशियली या डिग्री पास नहीं कर देते, जब तक हम क्लियरली स्पेसिफिक नहीं कर देते कि किसका लीगल राइट है उस जमीन पे, तब तक आप दीवार नहीं बनाइएगा, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। अब समझ रहे हो ना, ये इसको इंजंक्शन कहते हैं। तो अब इंजंक्शन का आंसर लिखते समय ये तो हो गया, अब दूसरा आते हैं पर्पस। पर्पस क्या है, एक आपको समझना है पर्पस क्या है इंजंक्शन का, तो एक मीनिंग देयर बाय हो गया, मीनिंग आपने लिख दिया कि इंजंक्शन इज समथिंग इशूड बाय, इंजंक्शन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू रिस्ट्रेन और प्रोहिबिट टू ए पार्टी टू डू समथिंग, टू डू ए पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन, इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। अब इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस भी आपको लिखना पड़ेगा। पर्पस ये होता है एक टेम्पररी रिलीफ, एक इंटरिम रिलीफ देने के लिए पार्टी को, है ना, कि पर्पस क्या होता है कि अगर इंजंक्शन ऑर्डर इशू ना किया जाए और सामने वाले को इररिपेरेबल लॉस हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। मान लिया कि स्नेहा ने दीवार बना लिया,
इरिपेरेबल लॉस का मतलब ऐसा नहीं होता कि इस लॉस को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इन द सेंस कि एक ऐसा लॉस जो मॉनिटरी टर्म में एग्जैक्टली कंपनसेटरी नहीं है, कंपनसेट नहीं किया जा सकता लॉस ऐसे। देखो इरिपेरेबल लॉस मतलब ये मत समझिए कि इस लॉस की भरपाई ही नहीं किया जा सकता। बहुत लोग आ जा रहे हैं, भाई क्या हुआ, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है क्या, डिस्टर्बेंस होता है। तो ये हमारा हो गया पर्पस, कि भाई पर्पस ये है इसके पीछे कि पार्टी को लॉस ना हो, पार्टी को इंजरी ना हो, पार्टी को इरिपेरेबल लॉस ना हो, इसलिए इंजंक्शन का मतलब होता है, इश्यू करने का मतलब होता है, कोर्ट जो है इंजंक्शन इश्यू करती है अनलेस द फाइनल डिसीजन केम आउट। इंजंक्शन का पर्पस ये भी आप लिख दीजिएगा कि स्टेटस को आप समझते हो ना, स्टेटस को, स्टेटस को मतलब क्या होता है कि एज इट इज, जैसे जो चीज है ऐसे ही रखो उसको, यथा पूर्व स्थिति, यथा स्थिति कहते हैं ना हिंदी में, यथा पूर्व स्थिति, यथा स्थिति बना रहे, बनी रहे चीजें। सो इशूइंग द इंजंक्शन इज मींस दैट द पुट द थिंग्स स्टेटस को, द पुट द थिंग्स इन टू द सेम कंडीशन एज इट इज अनलेस द डिक्री इज पास बाय द कोर्ट, अनलेस द फाइनल डिसीजन कम आउट। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक चीजें ऐसी रहेंगी। आपने अगर 10 रद्दा दीवार जो है नया उठा दी है तो कोर्ट वहीं पर रोक देगी, ऐसे ही इसको रहने, तो यथास्थिति रहने दीजिए जब तक हम डिसीजन पास नहीं करते, जब तक हम डिग्री पास नहीं करते। दैट इज कॉल्ड स्टेटस को, आपको समझना है स्टेटस को का मतलब ये होता है, यथा पूर्व स्थिति बने रहने देना जब तक कोई डिसीजन ना पास हो जाए, दैट इज कॉल्ड पर्पज। अब आप आंसर में क्या लिखोगे, डिटेल में हम जाएंगे रूल वाइज, पहले आप समझ लो कि लिखेंगे आप क्या। पहले एक सिंपल लाइन में, एन इंजंक्शन इज एन ऑर्डर बाय द कोर्ट टू ए पार्टी टू द इफेक्ट दैट ही शैल डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। अभी जो इसमें दो चीजें आपको देखना पड़ेगा, ही शैल डू यानी कि एक इंजंक्शन ऐसे भी पास किया जा सकता है, मतलब पार्टी से कुछ कहेगी कोर्ट की मतलब ये तुम करोगे, यही करोगे और कुछ नहीं करोगे, और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या पार्टी कुछ कर रही है उसको कोर्ट ये कहेगी कि तुम ये ना करो, जैसे नया दीवार उठा रही तो कोर्ट कहेगी ये ना करो, या कई इंजंक्शन इस टाइप में भी इशू किया जाता है कि कहेगी करो, कुछ करने के लिए बोल रही होगी कोर्ट, है ना। तो आप अगर इस सेंस में अगर हम बात करें तो एक दो टाइप, देखो टाइप्स की अगर हम बात करें तो आप परमानेंट इंजंक्शन और टेम्पररी इंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो टाइप्स आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, है ना। तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन में क्या करती है कोर्ट कि टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या कुछ आप कर रहे हो उसको प्रोहिबिट कर रही है कोर्ट, है ना। मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या होता है कि कोर्ट टू ए पार्टी टू टू इफेक्ट दैट ही शैल डू, ये शैल डू वाला यहाँ आ गया, मैंडेटरी इंजंक्शन हो गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है जी, समझ में आया। मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या गया कोर्ट, कोर्ट विल पास एन ऑर्डर, कोर्ट विल पास एन इंजंक्शन एंड टू डू समथिंग, पार्टी को कहेगी कुछ तुम करो, ये करना है तुम्हें। प्रोहिबिटरी में क्या होता है, पार्टी कुछ कर रही होती है, कोर्ट उसको मना कर रही होती है। तो ये दो टाइप के इंजंक्शन आप इस लिहाज से, इस ग्राउंड से अगर इस चीज को आधार हम माने तो आप कर सकते हो टू टाइप्स के, है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन क्या क्या लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आप अगर इंजंक्शन के बारे में देख लोगे तो आपको ये 7 पॉइंट कवर करने होंगे। पहला आप मीनिंग ऑफ इंजंक्शन लिख दोगे जो हमने आपको बता दिया, दूसरा आप लिखो ग्राउंड ऑन इंजंक्शन लिखो, ग्राउंड ऑफ इंजंक्शन में रूल 1 का लिख दोगे कि ग्राउंड इंजंक्शन का ग्राउंड क्या होगा। अच्छा वन थिंग मोर लगे हाथ में बता देता हूं, ये जो टाइप्स है एक तो मैंने आपको बता दिया, ये दो टाइप्स बता दिया, एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन अगर दूसरे को आधार मांगे, यानी कि टेन्योर को हम आधार माने, इफ यू टेक द बेसिस द टेन्योर कि कितने टाइम तक इंजंक्शन पास किया जाता है, तो अगर टेन्योर के टाइम पीरियड के हिसाब से आधार मान के आप करेंगे, गुड इवनिंग मनप्रीत, तो आप दो टाइप में बांट सकते हो, एक टेम्पररी इंजंक्शन एक परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टेम्पररी इंजंक्शन और एक परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है। एज फार एज टेम्पररी इंजंक्शन इज कंसर्न, इट इज गवर्न बाई ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार आदेश 39 में ये मेंटेन है, टेम्पररी इंजंक्शन फ्रॉम रूल 1 से लेकर रूल 5। याद करना है एक चीज, फ्रॉम रूल 1 टू रूल 5 टेम्पररी इंजंक्शन। सर परमानेंट इंजंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, याद करिए जब आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताया गया था, है ना,
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये सेक्शन में है, वहां पे 39 सेक्शन के तहत देख लीजिए, वहां पे परमानेंट इंजेक्शन की बात की गई है। अब दोनों में फर्क बता दिया जा रहा है आपको, टेम्पररी इंजेक्शन मतलब टेम्पररी नेचर का होता है, अनलेस द फाइनल डिसीजन कम्स आउट और अनलेस द केस इज डिसाइडेड, तब तक एक इंजेक्शन और पास कर दिया। जैसे कोर्ट जो है सिनेहा के केस में क्या कहेगी, भैया देखो जब तक हम डिग्री पास नहीं करते तो आप एक ईटा नहीं रखेंगे, एक दीवार नहीं बनाएंगे, दैट इज अ टेम्पररी इंजेक्शन। मतलब डिग्री पास होने के बाद अगर सुनेहा के फेवर में केस आता है तो सुनेहा फिर दीवार बना सकती है, वो इंजेक्शन हट जाएगा। जब बीच में सूट डिसमिस हो गया तो टेम्पररी हट जाएगा, है ना, टेम्पररी इंजेक्शन खत्म हो जाएगा। परमानेंट इंजेक्शन में क्या होता है कि परमानेंटली कोई चीज बार कर दिया जाता है, कोर्ट आपसे कहेगी कभी जिंदगी में आप दीवार नहीं बना सकते, कभी जिंदगी में आप ये नहीं कर सकते, दैट इज ऑल परमानेंट इन नेचर। फॉर एवर, यू हैव टू यूज द वर्ड व्हाइल राइटिंग द आंसर, फॉर एवर, हमेशा सदैव के लिए। आपको कोई काम ना करने के लिए कह दिया गया या कोई काम करने के लिए कह दिया गया, दैट इज कॉल्ड परमानेंट इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन पीरियड कहां तक होती है इसकी, या तो सूट डिसमिस हो जाए वो जिस जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए कहा गया था इंजंक्शन ऑर्डर इश्यू करने के लिए, वो सूट ही अब नहीं एग्जिस्ट कर रहा, सूट डिसमिस हो जाए तो वो इंजंक्शन भी खत्म हो जाएगा। या मान लिया पूरा डिग्री आ गई, पास हो गया, डिसीजन आ गया कोर्ट का, तो फिर इंजंक्शन खत्म हो जाता है, फिर जैसा डिग्री में लिखा है वैसा आप करेंगे, है ना। तो ये दो फॉर्मेट आपको बता दिया गया। और दूसरी चीज ये, यू हैव टू कीप इन माइंड, टेम्पररी इंजंक्शन जो है सीपीसी गवर्न करता, परमानेंट इंजंक्शन के बारे में सीपीसी में कुछ नहीं है, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब हम आते हैं ग्राउंड के बारे में। ये जो क्वेश्चन में आपको दिखाया गया, ये मैं बता दे रहा हूँ, मीनिंग ऑफ इंजंक्शन हो गया, ग्राउंड पे आते हैं। ग्राउंड में आप लिखिएगा रूल वन के बारे में, यानी कि आप बताइएगा ये ग्राउंड है, यहाँ पे जो टेम्पररी इंजंक्शन इश्यू किया जाता है, परमानेंट नहीं, टेम्पररी इंजंक्शन। वेर इन एनी सूट इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, जो सूट में है वो डेंजर है बीइंग वेस्टेड, यानी कि उस प्रॉपर्टी का वेस्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या एलिनेटेड हो जाएगा, कोई पार्टी उसको डैमेज कर देगा या कोई पार्टी उसको जो वेस्ट कर देगा या एलिनेट कर देगा, है ना। और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, या उसको रॉन्गफुली सोल्ड किया जा सकता है डिग्री को एग्जीक्यूट करते टाइम, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप, ऐसी प्रॉपर्टी के बाबत जो है टेम्पररी इंजंक्शन इशू किया जा सकता है। और देन द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंड्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स, या डिफेंडेंट जो है धमकी दे रहा है, उसका इंटेंशन यह है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा या रिमूव कर देगा विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स, अपने लेनदार को डिफ्रॉड करने के लिए। See that the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit. That the defendant threatens to dispossess. यानी कि defendant ये धमकी दे रहा है कि मैं property को dispossess कर दूंगा. The plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit. यानी कि जो suit में जो property dispute में है उसको जरा dispossess कर दूंगा, उसके relation में plaintiff को कोई injury हो सकती है. ये A, B, C और आपका ये अब क्या करेगी अगर ऐसी सिचुएशन है, रूल वन की सिचुएशन है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन। तो ऐसे सूरत में कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, किस लिए, टू रिस्ट्रेन सच एक्ट, यानी कि इस एक्ट को रिस्ट्रेन करने के लिए, किस एक्ट को, ताकि डिफेंडेंट जो है प्लेंटिव को धमकी ना दे, उस प्रॉपर्टी को जो सब्जेक्ट मैटर है उसको रिमूव ना किया जा सके, उसको इंजर ना किया जा सके, उसको डिस्पोजिस ना किया जा सके, है ना, और मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलिनेशन, सेल, रिमूवल, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, या कोई ऑर्डर पास कर देगी कि आप ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, यानी कि जो वेस्ट को प्रिवेंट किया जा सके, डैमेज ना हो, एलिनेट ना हो, सेल ना की जा सके उस प्रॉपर्टी को, रिमूव ना किया जा सके, डिस्पोजिशन ना किया जा सके उस प्रॉपर्टी का, और डिस्पोजिशन ऑफ द प्लेंटिव, या प्लेंटिव के हाथ में कोई प्रॉपर्टी है तो उसको डिस्पोजिस ना किया जा सके, उसके अगर पोजिशन में कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजिस ना किया जा सके, प्लेंटिव के हाथ से लिया ना जा सके, छीना ना जा सके, या अदरवाइज कॉजिंग इंजरी टू द प्लेंटिव, या और किसी भी तरीके से प्लेंटिव को अगर नुकसान हो रहा है ना उस प्रॉपर्टी के संबंध से रिलेटेड जो डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी के सूट में, कोई भी नुकसान अगर प्लेंटिव को हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये सब टेम्पररी इंजंक्शन इश्यू किया जा सकता है कोर्ट चाहे तो, अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल फर्दर ऑर्डर। तो ये जो अंटिल है, अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल फर्दर ऑर्डर, यू हैव टू राइट डाउन एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द टेम्पररी इंजंक्शन, यू हैव टू मेंशन दैट द इंजंक्शन व्हिच इज पास्ड बाय द कोर्ट अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल द फर्दर ऑर्डर, यू विल स्पेसिफिकली राइट डाउन कि पीरियड क्या होगा,
Now, why temporary? What is the what would be the period of the what would be the tenure of the temporary injunction? You have to write down like this. समय सीमा क्या होगी टेम्पररी इंजंक्शन कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी कि भाई जब तक केस ना जो सूट है उसका डिस्पोजल ना हो जाए या अंटिल फर्दर ऑर्डर या ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सूट डिस्प्यूट होते डिस्पोज होते सूट खत्म होते टेम्पररी इंजंक्शन की पीरियड वहीं तक होगी इंजंक्शन समाप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट ने मेंशन किया है टेम्पररी इंजंक्शन को ऑर्डर पास करते समय स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इस दिन तक इस डेट तक ये इंजंक्शन जो है ऑपरेशन में रहेगा तो ऑब्वियसली वो इंजंक्शन उसी दिन तक ऑपरेशन में रहेगा। समझ में आ गया? तो ये आपको देखना है लिखना तो ग्राउंड भी लिखना ग्राउंड में आप यही तीन पॉइंट लिखेंगे। सिंपल है? समझ में आ गया? ये तीन पॉइंट आपको ग्राउंड में लिखना है एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द ये सारी चीजें। एक और अपना बढ़ा के लिख देना कि इन ए केस वेयर द कोर्ट थिंक्स टू डू टू पास एन टेम्पररी इंजंक्शन फॉर जस्टिस और इक्विटी ऐसे लिख देना डीलिंग दे देना चौथा पॉइंट। ये तो एक्ट में लिखा है एग्जैक्टली ऐसे इसको लिखना है। तो ये ग्राउंड हमारा हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स पे। ग्राउंड हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन कर दिया, प्रिंसिपल पे देख लेते हैं। प्रिंसिपल पे आप लोग तीन हेडिंग लिखिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। पहला हेडिंग लिखिएगा कि प्राइमा फेसी केस। मेरे नोट्स में लिखा है सब प्राइमा फेसी केस। दूसरा लिखिएगा, क्या लिखिएगा दूसरा? तीसरा लिखिएगा बैलेंस कन्वीनियंस। दूसरा कोई बताए? प्राइमा फेसी केस दूसरा है इररिपेरेबल। नोट्स कुछ नहीं देखते तुम लोग। इररिपेरेबल इंजरी, ठीक है, मैंने साफ साफ बोल के बता दिया। प्राइमा फेसी केस प्रिंसिपल के अंडर में प्राइमा फेसी केस लिखोगे, दूसरा लिखोगे इरिपेरेबल इंजरी, तीसरा लिखोगे बैलेंस इनकन्वीनियंस या कन्वीनियंस। अब प्रिंसिपल्स में क्या है मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंसिपल जब आप लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्राइमा फेसी केस होना चाहिए। प्राइमा फेसी केस इन द सेंस उसमें आप क्या लिखोगे कि भैया ये जो मैंने केस लाया हूं ना ये केस जो है सच है, मैं ऐसे फ्रॉड करके केस नहीं लाया हूं ना मैं कह रहा हूँ कि इंजंक्शन ऑर्डर इश्यू कर दीजिए। ये केस ओरिजिनल केस बनता है, स्नेहा के अगेंस्ट में केस बनता है और मेरा कहीं ना कहीं राइट इंफ्रिंज हो रहा है, मेरा कहीं ना कहीं अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तभी मैं स्नेहा के अगेंस्ट में सूट फाइल किया हूं, तभी जो है कोर्ट को स्नेहा के अगेंस्ट में इंजंक्शन पास करना चाहिए। मैं ऐसे फ्रॉड में हवाबाजी में नहीं केस किया हूं स्नेहा के ऊपर। दैट इज कॉल्ड प्राइमा फेसी केस है ये। अब आपको समझ में आया? ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, नोट्स में लिखा इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। Irreparable injury में आइए। Irreparable injury में plaintiff or the applicant has to prove that if injunction is not passed by the court, then the plaintiff or the applicant will face irreparable injury and the plaintiff or the applicant is not having any other option, any other remedy except the injunction order. Plaintiff ये court को satisfy करेगा, संतुष्ट करेगा court को कि अगर आपने injunction order pass नहीं किया मिलॉर्ड तो मैं irreparable injury हो जाएगा मुझे और दोबारा उस injury को भरा नहीं जाएगा और हमारे पास एक ही रास्ता था, अगर आप injunction order issue कर देंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। irreparable injury क्लियर है? कोई confusion? प्रिंसिपल में ये लिखना है। कभी भी injunction का question दिख जाए आपको तो ये point wise आपको वन बाई वन लिखना है, depending कितने marks का है। 6 मार्क्स का है शॉर्ट नोट में पूछ लिया तो मीनिंग ग्राउंड लिख दिया, प्रिंसिपल लिख दिया, बस टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर में लिख दिया तो 7 पॉइंट आपको अच्छे से लिखना। इरेपरेबल इंजरी में हो गया। बैलेंस इनकन्वीनियंस, बैलेंस इनकन्वीनियंस में आपको क्या लिखना है? आप ये लिखोगे बैलेंस इनकन्वीनियंस में कि अगर आपने इंजंक्शन नहीं इश्यू किया तो ज्यादा मुझे लॉस हो जाएगा और कम लॉस स्नेहा को होगा या उनको होगा ही नहीं, और अगर आपने इंजंक्शन इशू कर दिया तो मेरा फायदा हो जाएगा और स्नेहा को कोई नुकसान नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी द पॉइंट? यू हैव टू सेटिस्फाई टू द कोर्ट दैट इफ यू पास इंजंक्शन देन मैं मेरे को ज्यादा लाभ मतलब होगा और स्नेहा को कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा होगा, और अगर आपने इंजंक्शन ऑर्डर नहीं इशू किया तो मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा, स्नेहा को कोई नुकसान नहीं होगा।
ये आपको समझाना पड़ेगा कोर्ट को, दैट इज कॉल्ड बैलेंस इनकन्वीनियंस, यानी कि इनकन्वीनियंस पोजिशन में कौन होगा, है ना। ये हो गया एक प्रिंसिपल के पॉइंट में, तीनों आप अच्छे से लिखोगे। टाइप्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया, टाइप्स को आप दो आधार मान के बना सकते हो, जैसे डिफाइन करोगे जब इंजंक्शन को, पहले डिफाइन करोगे तो इंजंक्शन इज एन ऑर्डर पास बाय द कोर्ट अगेंस्ट अ पार्टी और इन फेवर ऑफ द पार्टी फॉर द पार्टी वेयर इन इट सेज इट रिस्ट्रेन और टू डू सम पर्टिकुलर एक्ट, है ना। तो आप एक तो ये लिख दोगे टेम्पररी इंजेक्शन और परमानेंट इंजेक्शन, एक टेन्योर के बेसिस को आधार बना के लिख दोगे, एक लिख दोगे कि मैंडेटरी इंजेक्शन और प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। तो चार टाइप के नहीं है, आधार अलग अलग कर देते हैं। तो अब जैसे मान लिया सेक्स के आधार पे अगर ह्यूमन बींग को बांटोगे तो एक मेल एक फीमेल, कलर के बेसिस पे अगर ह्यूमन बींग को बांटोगे तो एक गोरा होता है काला होता है, तो आधार चेंज करके फर्क किया जा सकता है। टाइप्स में ये हो गया आपको, और हर टाइप को आपको डिफाइन करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखना है कि टेम्पररी इंजेक्शन ये होता है ये होता है, परमानेंट इंजेक्शन ये होता है ये होता है, टेम्पररी इंजेक्शन सीपीसी के ऑर्डर 39 में रूल 1 से लेकर 5 तक डिफाइंड है, परमानेंट इंजेक्शन जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 39 से 44 जो भी सेक्शन है उसमें डिफाइंड है, आपको देखना पड़ेगा, है ना, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हु मे अप्लाई फॉर इंजंक्शन। ऑब्वियसली बात है पार्टी, पार्टी टू द सूट मे अप्लाई फॉर एन इंजंक्शन, फॉर द इंजेक्शन जो पार्टी होगी, ठीक है, मेरे और स्नेहा के बीच में डिस्प्यूट है तो आई एम द पार्टी स्नेहा इज द पार्टी, सो मैं चाहे अप्लाई कर। अच्छा एक बात, हमेशा प्लेंटिव करता है क्या इंजेक्शन के लिए? प्लेंटिव हमेशा करता है, डिफेंडेंट भी कर सकता है, स्नेहा को भी मुझसे कोई इश्यू हो सकता है, स्नेहा कह सकते हैं कोर्ट में भाई साहब इसके अगेंस्ट में जो है इंजेक्शन ऑर्डर पास कर दी, ये मुझे परेशान कर रहे हैं और जहां मैं दीवार बना रहा हूं उसके सामने जो जंगला लगा रहे हैं, इनको भी कोई इश्यू हो सकता है, ये भी क्लेम कर सकते हैं कुछ। तो ऐसा नहीं कि आप ये मन में मत बिठाना कि हम जब कहते हैं कि पार्टी इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकती है, पार्टी प्लेंटिव भी हो सकती है डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगेंस्ट डूम इंजंक्शन में भी इशूड पार्टी के अगेंस्ट में, ठीक है, और इंजंक्शन जो है कभी थर्ड पार्टी के या जो नेसेसरी पार्टी है उसी के अगेंस्ट में इशू किया जाता है, जो पार्टी नहीं है सूट का उसके अगेंस्ट में इंजंक्शन ऑर्डर नहीं पास किया जा सकता, ठीक है, कोर्ट नहीं पास करेगी, हमेशा कोर्ट ही पास करती है इंजंक्शन, ठीक। तो इंजंक्शन जो पार्टी टू द सूट होगा उसी के अगेंस्ट में उसी के खिलाफ जो है पास किया जा सकता है। अब समझ में आ गया अगेंस्ट होम वाला, जो नॉन पार्टी है जो मैंडेटरी पार्टी नहीं नेसेसरी पार्टी नहीं उसके अगेंस्ट में आप इंजंक्शन नहीं पास कर सकते। तो ग्राउंड वाला ये हो गया हमारा। अच्छा एक फॉर्म वाला, अगर आप टाइम मिलेगा तो लिख देना फॉर्म, ये फॉर्म किस फॉर्म में होता है, ये फॉर्म 8 है, एक शेड्यूल 5 में है, फॉर्म 8 शेड्यूल एफ है, कोर्ट किस फॉर्म, एक फॉर्म है उस फॉर्म 8 में इंजंक्शन ऑर्डर इश्यू करती है शेड्यूल एफ में। ये हो गया हमारा इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटेशन और कंटिन्यूंस ऑफ ब्रीच। अभी कह रहे हैं इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड वेदर कंपनसेशन इज क्लेम्ड इन द सूट और नॉट plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before or after judgment apply to the court for temporary injunction। अच्छा जो मैंने आपको ग्राउंड बताया ना, ये तीन जो यहाँ पे है रूल वन में, यहाँ पे डी एक पॉइंट ये भी लिख देना, इन सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग और डिफेंडिंग फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच ऑफ, इन केस ऑफ कमिटिंग ऑफ ब्रीच वेयर ए पार्टी कमिट्स ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड वेदर कंपनसेशन इज क्लेम्ड इन द सूट और नॉट, ये भी लिख देना है ना, where defendant is about to commit a breach of contract or other injury of any kind, aise likh dena, jahan pe defendant breach of contract karta hai commit karta hai wahan pe bhi temporary injunction ka ground bana ke isko ground bana ke temporary injunction issue kiya ja sakta hai, aap samajh mein aaya or not, the plaintiff may at any time after the commencement of suit, theek hai, suit commencement hone ke baad kabhi bhi hai na, ya judgment पास होने से पहले या जजमेंट पास होने के बाद कोर्ट में अप्लाई कर सकता है टेम्पररी इंजंक्शन के लिए, किस लिए, टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी कंप्लेंड ऑफ और एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी ऑफ लाइक काइंड अराइजिंग आउट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट और रिलेटिंग टू द सेम प्रॉपर्टी। एक पॉइंट ये भी ग्राउंड में, तीन पॉइंट रूल में थे ओरिजिनली और एक पॉइंट हमने रूल टू से निकाल लिए। तो ग्राउंड में आपको चार पॉइंट लिखने, पांच पॉइंट लिखने, एक तो मैंने पांच ये बता दिया कि ऐसे लिख देना कि कोर्ट जो है जस्टिस के लिए टेम्पररी इंजेक्शन कोई अदर रीजन के लिए इंजेक्शन पास कर सकती है। देखो ये वाला द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट सच इंजेक्शन और सच टर्म्स एज टू ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन कीपिंग एन अकाउंट गिविंग सिक्योरिटी और अदरवाइज एट द कोर्ट थिंग्स फिट, ठीक है, टू ए में देख लेते हैं।
consequences of disobedience or breach of injunction. Now 2A में क्या बताया है कि what would be the consequences अगर आप जो injunction court ने pass किया उसको आप नहीं मानते हो, उसका breach करते हो. तो in a case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 या rule 2 में कोई injunction pass किया गया, या rule 1 में कोई injunction pass किया गया, and or breach of any of the terms on which the injunction was granted, या injunction grant करते समय जो भी terms and condition court ने आपको बताया था कि इसका पालन करना है, या कोई भी order pass किया, कोर्ट ग्रांटिंग द इंजंक्शन और अगर आपने इसका ब्रीच किया तो कोर्ट जो इंजंक्शन पास की है या जो ऑर्डर इशू किया है, मेक किया है, और एनी कोर्ट टू बी द सूट ऑफ प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड, या वो कोर्ट जिसको सूट ट्रांसफर कर दिया गया है प्रोसीडिंग, मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसोबीडियंस और ब्रीच टू बी अटैच्ड, एंड मे ऑल्सो ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन इन द सिविल प्रिजन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months. तो 3 महीने की सजा मिल जाएगी आपको, या आपकी प्रॉपर्टी को जो डिसोबीडियंस किया उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, या उस बंदे को सिविल प्रिजन में डिटेन कर दिया जाएगा, है ना. तो ये आप देख लेना 2A. 3 में देखिए, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी. आप देखिए, इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले कोर्ट जो है अपोजिट पार्टी को, जैसे कोर्ट मैंने अप्लाई किया इंजंक्शन के लिए, तो स्नेहा को एक नोटिस भेजा जाएगा, कोर्ट भेजेगी नोटिस अपोजिट पार्टी. Court shall in all cases, except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction, direct notice of the application for the same to be given to the opposite party. So, hamesha before issuing the injunction order, before passing the injunction, before granting the injunction, the court issues a notice to the opposite party. हाँ, court को अगर लगता है कि हम notice issue करने जाएंगे तो ultimately फालतू delay होगा, injustice हो जाएगा, तो उस केस में नहीं notice issue करेगी court. Otherwise, normal case में generally जो है court opposite party को एक notice देती है. Provided that where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by delay, and require the applicant to deliver to the opposite party or to send to him by registered post immediately after the order granting the injunction has been made a copy of the applicant for injunction together with. अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे proviso में, provided that में जो करके बताया, कह रहे हैं अगर मान लिया कि कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर बिना अपोजिट पार्टी के नोटिस इश्यू किया है, तो पहले तो रिकॉर्ड करेगी रीजन कोर्ट की, कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है, रीजन रिकॉर्ड करेगी, और साथ ही साथ क्या कहेगी, एप्लीकेंट जो अप्लाई किया था इंजंक्शन के लिए उसको कहेगी कि आप अपोजिट पार्टी को डिलीवर कर दो या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो नोटिस, है ना, इंजंक्शन ऑर्डर का नोटिस जो इंजंक्शन ऑर्डर पास किया कोर्ट ने. इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर ग्रांटिंग द इंजंक्शन हैज बीन मेड ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन टुगेदर विद. अब कोर्ट क्या कहेगी एप्लीकेंट से, यानी कि कोर्ट मुझसे क्या कहेगी, भैया हमारे लिए इतना टाइम नहीं था, हम नोटिस इशू करते हैं अपोजिट पार्टी को, आप क्या करो जो एप्लीकेशन हमें लगाए थे उस एप्लीकेशन की कॉपी, उस वो एप्लीकेशन और उसके साथ एक एफिडेविट अपने एप्लीकेशन के सपोर्ट में, उसके साथ अपने प्लेंट की कॉपी, उसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट का जिसपे वो रिलाइज करता है, वो आप लगा के फाइल कर दो, है ना. एंड टू फाइल ऑन द डेट ऑन विच सच इंजंक्शन इज ग्रांटेड और ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डेथ एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कॉपीज अपोर्टेड हैव बीन सो डिलीवर्ड और सेंट. ठीक है, तो ये दो काम करेगा, ग्रांटिंग एप्लीकेशन एंड रिक्वायर द एप्लीकेंट टू डिलीवर द अपोजिट पार्टी क्या, ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन टूगेदर विथ ये एक काम ये. दूसरा, एप्लीकेंट टू फाइल ऑन डे ऑन विच सच इंजंक्शन इज ग्रांटेड और ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कॉपीज अफोर्सेड हैव बीन सो डिलीवर्ड और सेंट. दूसरा काम क्या दिया जाएगा एप्लीकेंट को मुझे, कि आप ये एक तो ए पॉइंट करिएगा, दूसरा बी पॉइंट करिएगा, दूसरा यानी कि आप एक एफिडेविट फाइल करिएगा कि आपने जो ये कॉपी बताई गई है वो आपने अपोजिट पार्टी को सेंड कर दिया. ठीक है, तो ये हो गया तीसरा. थ्री, कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 days. ये कह रहे हैं वेयर एन इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, कोर्ट शैल मेक एन एंडेवर टू फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंजंक्शन वाज ग्रांटेड एंड वेयर इट इज अनएबल टू डू सो इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर सच इनएबिलिटी. यानी कि जो एप्लीकेशन, अगर मान लिया कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर जो है अपोजिट पार्टी के बिना ही इशू कर दिया, जो एप्लीकेशन लगाया था एप्लीकेंट, उसको 30 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ, फाइनली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. 4 में देख लीजिए, ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में भी डिस्चार्ज वैरिड और सेटिस्फाइड. जो इंजंक्शन ऑर्डर है उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, वैरिड भी किया जा सकता है, या सेटिस्फाइड भी किया जा सकता है. एनी ऑर्डर फॉर एन इंजंक्शन में भी डिस्चार्ज वैरिड और सेटिस्फाइड बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड देयर टू बाय एनी पार्टी डिससेटिस्फाइड विद सच ऑर्डर. यानी कि जो इंजंक्शन ऑर्डर होगा, मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये अपीलेबल होता है. पहली चीज ये आपको ध्यान में रखना, अपीलेबल, अपील. क्या जो इंजंक्शन ऑर्डर पास हुआ है, हो सकता है स्नेहा उससे खफा है,
एग्रीव्ड है, तो क्या स्नेहा उस इंजंक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा सकती है? यस, अपील में जा सकती है। अब आते हैं रिविजन, क्या उसके अगेंस्ट में रिविजन में जा सकती है स्नेहा, रिवाइज कर सकती है उस चीज को? यस, जो इंजंक्शन ऑर्डर होता है उसको केस डिसाइडेड माना जाता है, जब आप सेक्शन पढ़ेंगे रिवीजन का तो उसमें केस डिसाइडेड होता है, जो केस डिसाइडेड है उस पे आप रिवाइज करवा सकते हैं सेम कोर्ट से, तो आप यस उसको रिवाइज करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट असाइड करवा सकते हैं, यस वैरिएट करा सकते हैं, यस डिस्चार्ज हो सकते हैं, यस जो भी पार्टी डिससेटिस्फाइड है, प्रोवाइडेड दैट इफ इन एन एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन और इन एनी एफिडेविट सपोर्टिंग सच एप्लीकेशन ए पार्टी हैज नोइंगली मेड ए फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ए मटेरियल पर्टिकुलर and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, court shall vacate the injunction unless for reasons to be recorded it considered that it is not necessary so to do in the interest of justice. ye kare maan liya ki temporary injunction ke liye jo application lagaya hai applicant ne ya koi bhi affidavit iske support mein lagaya hai, a party has knowingly made a false or misleading statement, to wo party jisne application lagaya tha wo misleading ya false statement lagaya tha, hai na, और इंजंक्शन वॉज ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, और अपोजिट पार्टी के नोटिस दिए बिना इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया गया था, तो कोर्ट जो उस इंजंक्शन को वेकेट कर देगी, है ना। हाँ, कोई और रीजंस है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ होगा, तो ठीक है नहीं रोक लेगी, अदरवाइज हमेशा जनरली क्या होगा, अगर ऐसा पाया गया कि फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट की बदौलत आपने टेम्पररी इंजंक्शन को इश्यू करवाया या टेम्पररी इंजंक्शन का एप्लीकेशन फाइल किया था, तो उस केस में आपकी इंजंक्शन वेकेट कर दी जाएगी। Provided further that where an order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity being heard, the order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party except where such discharge, varied or variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances or unless the court is satisfied that the order has caused undue hardship to that party. ये कह रहा है कि अगर मान लिया जो injunction का order pass किया गया है वो opposite party को notice दिया गया था, स्नेहा को फुल एकदम चांस दिया गया था, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया था, उसके इनको सुनने के बाद वो जो है इंजंक्शन ऑर्डर पास किया गया था, तो उस ऐसे इंजंक्शन ऑर्डर को ना ही डिस्चार्ज किया जा सकता है, ना ही वैरी किया जा सकता है, ना ही सेट असाइड किया जा सकता है। अगर मान लिया स्नेहा एप्लीकेशन भी लगाती है उसको सेट असाइड करने के लिए, तब भी सेट असाइड नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि डिस्चार्ज या वेरिएशन या सेटिंग असाइड जो है वो नेसेसिटेटेड है, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए जिसकी वजह से हमें इंजेक्शन ऑर्डर चेंज करना चाहिए, वेरी करना चाहिए, सेट असाइड कर देना चाहिए, तो अलग केस है, कोर्ट कर देगी, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में कोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि स्नेहा को एक चांस दिया गया था, स्नेहा को बुलाया गया था, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया गया था, ये नहीं आई, टेम्पररी इंजेक्शन पास हो गए तो अब ये सेट असाइड करने के लिए क्यों आई है, सेट असाइड नहीं किया जाएगा, अब ये डिस्चार्ज करवाने के लिए क्यों आई है या वेरी करवाने के लिए क्यों आई है, तो नहीं किया जाएगा। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हो भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं पक्का हो गया नहीं किया जाएगा। फाइव, इंजंक्शन टू कोऑपरेशन कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर, ये कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कंपनी का केस है ना, एन इंजंक्शन डायरेक्टेड टू ए कॉर्पोरेशन इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑन ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन हूज पर्सनल एक्शन इज सीक्स टू बी रिस्ट्रेंड। अल्टीमेटली यू नो वेरी वेल कंपनी इज नॉट एन ह्यूमन बॉडी, कंपनी के आंख पैर नहीं होते हैं, मान लिया कोई कंपनी शेयर इशू करने जा रही है, मेरा पैसा कंपनी पहले ली है मुझसे, माल ली थी कंपनी, कुछ मान लिया कंस्ट्रक्शन करने जा रही है, तो मैं कहूंगा भैया कंपनी मेरा करोड़ रुपया बाकी है और ये जो है कंस्ट्रक्शन करने जा रही है, इसके पास पैसे है मुझे नहीं दे रही है, तो हो सकता है मैं सूट फाइल करूँ, और सूट फाइल करने में एक टेम्पररी एक इंजंक्शन के लिए मैंने ऑर्डर अप्लाई भी कर दिया, एप्लीकेशन भी दे दिया कोर्ट को कि साहब इनको कंपनी को घर जो है कंपनी को जो नया बिल्डिंग नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने से रोकिए, क्योंकि इन्होंने मेरा पैसा बाकी है, है ना, और ये पैसा वहां लगा देंगी फिर कहेंगी मेरे पास पैसे नहीं है, तो इनको ये बनाने से रोकिए, इस तरीके का इंजंक्शन आप पास करिए। यस, कोर्ट में डू सो, अब कोर्ट अगर इशू करेगी तो कंपनी पे नहीं इशू बाइंड होगा, कंपनी पे तो बाइंड होगा बस उसके ऑफिसर पे भी बाइंड होगा, यानी कि ऑफिसर जो है बना रहे हैं बिल्डिंग और बोल रहे हैं कि हम बना रहे हैं, कंपनी कहाँ बना रही है, आप तो कंपनी के अगेंस्ट में इंजंक्शन है, कंपनी पे एप्लीकेबल है, कंपनी पे बाइंडिंग, ऐसा नहीं, वंस द इंजंक्शन हैज बीन इशूड इट विल बी बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कंपनी बट ऑल्सो ऑन इट्स ऑफिसर्स। ये हम लोग फाइव तक आज कर लेते हैं, आज ज्यादा हो जाएगा, और छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बता ही दिया, किसके खिलाफ किसके लिए स्टेटस को का मतलब बता दिया, आपको ध्यान में रखना है, इरिपेरेबल इंजरी के बारे में बता दिया।
और ये डिस्क्रिशनरी कोर्ट का होता है ना, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है एक्चुअली, बहुत ही वास्ट डिस्क्रिशन है। ऐसा नहीं कि आपने टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन लगा दिया तो इंजेक्शन ऑर्डर पास हो ही जाएंगे। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस डिपेंड करते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचर है कि हाँ भाई ठीक है रिपेरेबल लॉस हो जाएगा, सामने वाले को इंजेक्शन ऑर्डर इश्यू कर देना चाहिए तो ही होगा। इक्विटेबल रेमेडी होती है एक तरह की, इनहेरेंट पावर है कोर्ट की, इनहेरेंट पावर है। मैं भी ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कि ये आपके पावर ही है, ये आपका राइट है, जन्मजात राइट है कि आपको इंजेक्शन ऑर्डर इश्यू किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो रूल वन ये बताता है, ये सर्कमस्टांसेस है कुछ जो रूल वन में आपने दिया, ये सर्कमस्टांसेस होंगे, कोर्ट सेटिस्फाइड होगी, कोर्ट अपने मन से कोर्ट को लगेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए तभी इंजेंक्शन पास होगा। तो जो ग्राउंड वन आपको बताएगा, ग्राउंड बताएगा जो रूल वन में बताएगा, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया आपका जो है राइट हो गया, वेस्टेड राइट है कि नहीं नहीं आप इश्यू कर, नहीं। हाँ लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं अपने मनमानी नहीं करेगी, मतलब डिस्क्रिशन इन द सेंस ये है कि कोर्ट विल अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड जुडिशियसली। डिस्क्रिशन का मतलब ये नहीं होता मन मुताबिक मनमानी नहीं होता है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कोर्ट की पावर है, कर सकती है, रीजनेबली होना चाहिए, जुडिशियसली होना चाहिए और साउंड लीगल प्रिंसिपल के आधार पे इंजंक्शन होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कोर्ट का मन करे तो किया, पास कर दिया इंजंक्शन, कोर्ट का मन किया तो नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं होता। डिस्क्रिशनरी का मतलब ये नहीं होता, डिस्क्रिशनरी का मतलब कि आप बाय फोर्स नहीं कह सकते, आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, कोर्ट को लगेगा अपने हिसाब से, कोर्ट देखेगी कि भाई अपना एक्सरसाइज करेगी, जुडिशियली माइंड एक्सरसाइज करेगी, रीजनेबली एक्सरसाइज करेगी, लीगल एक्सरसाइज करेगी, वो देखेगी कि हाँ पास करना चाहिए तो पास करेगी, नहीं तो नहीं। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन लिखने आ गया होगा, इसमें कोई इश्यू है 7 पॉइंट में से, इतना आपको लिखना ही लिखना है, इससे कम आपको नहीं लिखना है। कीपिंग इन माइंड द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।